देखें, सबसे पहले तो ये कि रियासत मदीना की जब हम बात करते हैं ना, तो उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बेसिक जो इस्लामिक चीज़ें हैं वो तो पहले ही एक्सरसाइज हो रही हैं। लोग जिसने नमाज़ पढ़नी है वो पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, ईदें भी होती हैं। बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो अभी मौलाना साहब ने बात की है ना, दुनिया में जो बेस्ट इकोनॉमीज़ है ना, आप सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सबसे हाई है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ है, सबसे अमीर तरीन ममालिक वो हैं। जिस जिस तरह से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नीचे आता जाता है, तो वहाँ पे यानी कि जहाँ कानून की अमल दरामद होना वीक है, जी और जो वीकेस्ट हैं, अब मैं आपको अभी रिसेंटली जो हमारी बेस्ट एग्जांपल बनती है पाकिस्तान, आपका रूल ऑफ लॉ डिस्टर्ब हुआ, जी आप इथोपिया से भी गिर गए आपकी मुईशत। तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ आइन की बालादस्ती, जो रियासत के बने हुए कवानीन है उसमें हसन, उर्मिला, मुसर्रत, मौलाना साहब एक बराबर, बादशाह का बेटा, वजीर का बेटा, बाहर खड़े हुए गार्ड का बेटा, अगर कोई जुर्म सेम नेचर ऑफ क्राइम सरजद करेगा, जिन रियासतों में ये है वहां पे क्राइम नहीं है। आपने कभी सुना है यूरोप एंड अमेरिका स्विट्जरलैंड में कब्जा हुआ हो? कभी सुना हो? बताएं। चले कुछ छोटी मोटी चोरी की वारदात ये वो, उसके ऊपर भी वहां पे क्राइम रेशो इसलिए कम है कि पता है कि सिस्टम ने वो टेकअप करने टेकअप इसको करना, और आप नहीं किसी बड़े के वडेरे के बेटे या मिनिस्टर के बेटे होने की वजह से अगर आप मर्डर कर लोगे तो आप विक्ट्री का निशान बना के कहीं नहीं जा सकते, आपको ऊपर की फ्लाइट लेना पड़ेगी। हम बात करते हैं जो मदीना की रियासत, कि इतने छोटे टाइम के अंदर वहां पे क्या था, रूल ऑफ लॉ था, यानी कि जो हाकम या रूलिंग एलीट थी उन्होंने सबसे पहले वॉलंटियर किया और अपने आप को कानून के ताबे किया कि मेरे लिए कवानीन और नहीं है, और मेरे लिए जो इस मुल्क रियासत मदीना का जो आयन है पहले मैं उसकी पासदारी करूंगा एज ए स्टेट हेड। उनको देख के सारे करते थे, खुल्फाए राशिदीन भी करते थे और सब करते थे। अब यहाँ पे क्या है, अब एक सियासी जमात, उनकी जो आजकल हेड है, या मेरी पार्टी, मैं बातें बड़ी बड़ी करूं, मेरा इतना गरीब मुल्क जिसमें औरतें पैसों के इवज लोग लाइनों में लेके आटा खरीदते हों, लेने जाएं तो जो कुछ हुआ पैसों के इवज भी आपने देखा, और एक तरफ एक ऐसा फंक्शन जो 40 दिनों पे मुहित था, पूरी पहले बाहर हुआ फिर उसके बाद वो सिलसिला यहाँ पे आया और 40 दिन लगे उस शादी के फंक्शन को ख़त्म होने में। हमें जो हमारी जो अशराफिया जिसको कहते हैं या जो रूलिंग एलीट कहते हैं, हमारे आने से पहले 3.5 साल देख लो जो हमें सामना करना पड़ा लेजिस्लेशन में भी, चूंकि हमारा नंबर मेजोरिटी थिन थी, ये लोग लेजिस्लेशन भी नहीं होने देते, लेजिस्लेशन भी वो होती है जो इनको खुद को सूट करती है। ठीक,